मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम और बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कोई चल रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज़्यादा इसका कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूँगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो। कहीं लगता नहीं कि अगले चुनाव से एक साल पहले ही राहुल गांधी इस तरह की इच्छा जता रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को इनविटेशन? देखो, इच्छा जताना चुनाव लड़ने में कोई गुरेज नहीं, हर कोई चुनाव लड़े उसका स्वागत है, लेकिन देश की जनता की जान को जोखिम में डाल के कभी भी ये ना करें। आज समय है कोविड प्रोटोकॉल को निभाने का, मैं आशा करता हूँ निभाएंगे। और मैं राहुल जी से पूछता हूँ, जब जिस नेता के गले में वो हाथ डालकर चल रहे थे, जिसका हाथ हाथ पकड़ के चल रहे थे, वो राज्य का मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो क्या राहुल गांधी ने अपनी जांच करवाई? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने अपनी जांच करवाई? आखिर जो कोविड पॉजिटिव पाए गए इस यात्रा में, उनके साथ रहने वालों ने क्या अपने आप को आइसोलेट किया है? क्या ये कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाने का काम कांग्रेस ने फिर एक बार नहीं किया? अगर ये नेता ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता, तो बाकी आम जनता से क्या उम्मीद करते हैं?